वाह बहुत अच्छा, कोई पूछने वाला तो है कि हम साथ देना चाहते, नहीं तो हिंदू तटस्थ होकर देखेगा या आलोचना करेगा, साथ देने का नाम ही नहीं लेता। सुरेश जी इनका मोबाइल नंबर लो। अच्छे भारत में तो ये है, या तो समीक्षा करेगा या तट देखते हैं आप कैसे करते हैं वो ये नहीं कहता कि हम सहभागी बने, हम किसी के भरोसे नहीं। एक विचित्र बात है सुन लो, भगवान श्री राम कृष्ण का जन्म होता है ना, लीला पूर्वक प्रकट होते हैं, जो उनको मर्त लोक में जन्म लेके करना होता है उसमें जिनकी जिनकी जब सहभागिता होती है तब वहीं से बन के आते या नहीं। ब्रह्मलोक में योजना ब्रह्मा जी बनाते हैं, ऐसे ही जिस महापुरुष के द्वारा भगवान को जो कराना होता है सारा वानक ऊपर से ही बन के आता है योजनाबद्ध। एकाएक हनुमान जी नहीं मिल जाते, जब हनुमान जी का मिलना हो उचित है तब हनुमान जी राम जी को मिलते हैं। विभीषण जी एकाएक नहीं मिल जाते आरंभ से, जब विभीषण जी का मिलना आवश्यक है तो विभीषण जी मिलते हैं। ऐसे ही व्यक्तिगत स्वार्थ न होने के कारण और भगवान के रुख को देखकर ही जीवन यापन होने के कारण हम तो एक कठपुतली यंत्र माइक के समान हैं। ये योजना मेरी नहीं है, ये ऊपर के लोगों की है, और जितना कार्य मुझसे भगवान को कराना है उसमें उचित सहयोगी मिलेंगे, टांग खींचने वाले कितना भी खींचें उसमें हम सफल होंगे। जिस कार्य को करने में हम निमित्त नहीं बनाए गए हैं उसमें कितने सहयोगी हों सफल नहीं होंगे। तो अपने क्षेत्र में जहाँ आप रहते हैं उस क्षेत्र का 5 विभाग कीजिए, मन से कागज़ पर भी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य। इतनी बात समझ में आ गई। एक विभाग में ये जो मातृशक्ति है, आनंद वाहिनी हमारी संस्था है, माताओं के ऊपर घर का दायित्व होता है, फिर कोई भविष्य में उंगली न उठावे। हमारा आपने देखा होगा हमारे आनंद वाहिनी की बैठक भी पृथक से नहीं होती, किसी माता को बैठाकर आज तक हमने कोई योजना नहीं बताई होगी। जो योजना बताई जाती है सबके सामने, कोई उंगली उठा नहीं सकता स्वप्न में भी। तो आनंद वाहिनी के एक सदस्य जो पति जो भी हैं घर में, उनके पूरे परिवार को ही हमने संस्था के ढांचे में ढाला है। जैसे बाल आदित्य वाहिनी बालकों के लिए, बाला आनंद वाहिनी, फिर आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी पीठ परिषद, पूरे परिवार। हमने कहा क्या, एक क्षेत्र में पूर्व मान लीजिए, पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य, एक आनंद वाहिनी की सदस्य मातृशक्ति, 5 पीठ परिषद के सदस्य, 25 आनंद वाहिनी के सदस्य, ये आदित्य वाहिनी के सदस्य, 25 आदित्य वाहिनी के, 5 पीठ परिषद के, 1 आनंद वाहिनी के, 25 5 30 और 1 31 31 एक क्षेत्र में सदस्य बना में यह कार्य करने की विधा है। आप सुरेश जी से, ये ऋषिकेश जी से संपर्क रख सकते हैं, ये जब उचित समझते हैं, जहाँ स्वामी जी से परामर्श लेते हैं, कोई विशेष बात होती है हमारे पास आती है, हम मार्गदर्शन देते हैं। इस प्रकार संस्था में कार्य करने का कोई फूट नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं वो पीठ परिषद में रहें, युवक लोग आदित्य वाहिनी में रहें, आनंद वाहिनी में युवतियाँ रहें, नीचे बाल आदित्य वाहिनी, बाल आनंद वाहिनी, अपना गर्व दिव्य बनावें, बाहर दिव्य बनावें। और हिंदुओं की जो गाथा है, हाय धन हाय मान हाय प्राण हाय परिजन, इतने तक सीमित न रहे। 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने की अपेक्षा 10 व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करें। आगे